मुगलों ने यहाँ पर रखी लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ क्यों नष्ट करी, आइए बताती हूँ मिनी व्लॉग में। तो हमारी मम्मी जुड़ी हुई है ब्राह्मण समाज से और हम आए हैं पहाड़ी में, लेकिन पहले हम मंदिर देखा क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ये पुराना लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और ये बसा हुआ है नर्मदा घाट द्वारा नर्मदा नदी के बाजू। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ये पुराने मुसलमान राजाओं द्वारा नष्ट कर दी गई है, लेकिन ये मंदिर फिर भी अपने आप में एक कमाल है। देखो मंदिर देखने के बाद हमने किया भगवान जी का प्रणाम और फिर हम चल दिए एक और एक्साइटिंग जगह के लिए। बाय द वे ये मंदिर 100 साल पुराना है, अभी भी इस्टेब्लिश्ड है और आप देखिए। उसके बाद बहुत सारी उबड़ खाबड़ रास्तों का तय करते हुए हम पहुँचे लम्हेटा घाट के पास, बसा हुआ ये एक और सुंदर, बहुत ही सुंदर घाट। और यहाँ भी कुछ लोग बहुत ही स्वादिष्ट कुछ तो पकवान पका रहे थे, जो कि उन्होंने हमें देने से मना कर दिया और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम दोबारा मांग लें। फिर मैंने भी सोचा चलो पानी के पास चलते हैं थोड़ा सा। बहुत मुशक्क़त करने के बाद, एक पत्थर उतरने के बाद हम जा पहुँचे नर्मदा माई के पास। कुछ देर हम वहाँ बैठे, शांति का अनुभव किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद गांव के कुछ अद्भुत घर देखते हुए हमने खाई पी, वो भी कच्ची वाली जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, दोबारा कभी ना ट्राई करें। हमने फिर देखे कुछ अच्छे पक्के घर और मिले अपने छोटे से प्यारे से दोस्त से। इसका नाम चूहा था जबकि वो कछुआ था। और हमारे घर के बच्चे इस अजीब से प्राणी को देख के बस नहीं कर रहे थे, ये एलियन एलियन। और ये हम मिले अपने विराट कोहली से, विराट कोहली नहीं बोलना चाहिए वैसे, बट इट्स ओके, विराट कोहली से ही, विराट कोहली से, जो बहुत मारने का शॉट कर रही थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। और फिर हम मिले अपने कुछ दोस्तों से, छोटे से तोते से। बाय किया हमने अपने विराट कोहली को और प्रस्थान कर दिए अपने घर की ओर।